कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन आजकल सच में कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। देश के लोग कंटेंट ढूंढते ढूंढते दिल्ली से साउथ पहुंच गए, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ये है कि कंटेंट के नाम पर रीमेक ही मिल रहा है। गली के पनवाड़ी भैया भी अब बॉलीवुड को सही रास्ता नहीं बता पा रहे। ऐसे में क्या रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार जी हाँ जोरदार एक ऐसी फिल्म जो क्या हमें कुछ कॉन्टेंट दे सकती है, ट्रेलर आ गया है। लेकिन गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन या बेटी बचाओ, जब भी इस मुद्दे पर कोई बात होती है ना, तो हमें बस एक ही चीज समझ में आती है कि अगर एक औरत मर्द को पैदा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है कि नहीं। इसलिए उस औरत को, उस बहन को, उस बेटी को कमजोर और बोझ समझने वाले आसमान में देखकर थूकने जैसा काम करते हैं, जिसमें एंड में थूक उन्हीं के मुंह पर आ गिरता है। क्या समझे? मतलब एक सोशल इशू पर बनी ये फिल्म वैसे तो कुछ नया नहीं कहती है, ट्रेलर देखकर आपको वही चीजें पता चलेंगी, लेकिन हाँ तरीका थोड़ा अलग दिख रहा है। बमन ईरानी, रणवीर, शालिनी पांडे, जी हाँ वही अर्जुन रेड्डी वाली, ऐसे कास्ट के साथ ये फिल्म गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे सीरियस टॉपिक पर बात करती है। जयेश भाई अपने सरपंच पप्पा बमन ईरानी से डरते हैं, मतलब इतना डरते हैं कि लगता है सुबह का मोशन भी पप्पा की दहाड़ से रुक जाता होगा उनका। बमन ईरानी वो है जिनको अपने लड़के से लड़का चाहिए होता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे जयेश उस गांव के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़का और लड़की के बीच फर्क नहीं करते। ट्रेलर में देख के मालूम पड़ता है कि लड़की की चाहत में उन्होंने कई बार ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। जयेश भाई अपने पप्पा और सोसाइटी से वैसे ही परेशान है जैसे आजकल हम नींबू के दाम से परेशान है। जयेश भाई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा, वैसे वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो विंजो ऐप आपके लिए ही है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे क्लिक करके विंजो ऐप अपने फोन में डाउनलोड करो। डेली हर T20 मैच से पहले टीम बनाकर कैश तो जीत सकते हो, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी इस बारे में प्रिडिक्ट करके भी आप पैसा जीत सकते हो, वो भी बिना कोई पैसा एक्स्ट्रा लगाए। जैसे आज बेंगलुरु और लखनऊ का मुकाबला है और डेली हर मुकाबले से पहले कौन सी टीम जीतेगी ये या ये उस पे आप ठप्पा लगा सकते। साथ ही साथ हर मैच से पहले अगर आप मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा उसका नाम भी प्रिडिक्ट करो तो हो सकता है आप लकी हुए और जीते तो आपको 500 रुपया मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके विंजो ऐप डाउनलोड करो। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर की बात करते हैं। फिल्म में वो कॉमिकल तरीका दिखाया गया है जो सीरियस टॉपिक को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश करता है। सवाल बस यही है कि क्या ये वो कंटेंट है जो बॉलीवुड की इमेज को पब्लिक के बीच बेहतर बना पाएगा। इसके डायरेक्टर दिव्यांग जी खुद कई गुजराती फिल्में बना चुके हैं, उस कल्चर और स्टाइल से फेमिलियर होंगे जो गुजरात से आते हैं। एक ऐसे बैकग्राउंड से जुड़े सब्जेक्ट पर कैसे हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात कर जानी है ये फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन रणवीर हमेशा की तरह एक अच्छे लुक और एक्सेंट को पकड़े नजर आ रहे हैं। कपड़ों का चाहे आप लाख मजाक उड़ा लो, एक्टिंग तो बंदा जोरदार करता है कि नहीं। कपिल देव की पंजाबी से यहाँ गुजराती पे शिफ्ट मारा है, ओहो कड़क। सब मिलाकर ट्रेलर एक फील गुड एक्सपीरियंस तो देता है, लेकिन आजकल पब्लिक के पास OTT नाम का औजार है। मतलब सारे शाने लोग ये सोचते हैं कि जब उस पे आएगी, मतलब OTT पे आएगी तो देख ली जाएगी। इसलिए थिएटर में जनता को खींचना आजकल उतना ही डिफिकल्ट है जितना टूथपेस्ट के ट्यूब से पेस्ट निकाल के वापस ट्यूब में भरना है कि नहीं। क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि अगर उतना ग्रैंड मामला नहीं है तो आपकी फिल्म जनता को थिएटर तक नहीं खींच पाएगी। इसलिए टाइम इच बताएगा कि इस फिल्म का फायदा बॉलीवुड को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आपका फायदा कहां है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें, उस पे क्लिक करके विंजो ऐप को डाउनलोड करो। हर T20 मैच से पहले प्रिडिक्ट करो कौन जीतेगा या फिर कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ डाउनलोड करते ही वेलकम बोनस 500 रुपए का, क्या समझे? सो डाउनलोड करो विंजो ऐप तुरंत। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।